लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी आज का बाद हमरा दामाद बाबू को परेशान करे का कोशिश की तो तोरा संग संग तोरा सारा परिवार को कटवा के आगरा नहर में फिकवा देंगे। देव बाबू कहाँ है? अरे भाई आप लोग अपने साथ नहीं लाए का उनको? आप ही लोग कहते थे ना अर्जुन कभी राजपुरोहित नहीं बन सकता। अब बताइए अर्जुन क्यों राजपुरोहित बनेगा? राजपुरोहित मेरा देव है। देव बाबू मर चुके हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हटिए ना चाची, मत रोक कीजिए। माँ जी चला गया था तू, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा ना। दादी माँ आप पहले रोना बंद करिए, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव कितना सताया तूने हमें, अपनी माँ के साथ लुक्का छिपी खेल रहा था। आज मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। हाँ बोल, नहीं जाएगा ना हमें छोड़कर? कभी नहीं जाएगा ना? बोलना। आज राधिका के विश्वास की विजय हुई है, उसके पति धर्म की विजय हुई। कहे थे आप, आपके आदमियों ने मरवा दिया देव को, कुछ जिंदा कौन से उगा है? बोलिए कुछ। अपने आदमियों से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन इस समय तुमको राजपुरोहित की गद्दी पर बैठा कर ही रहेंगे। मौसम को यही चाहिए। मैंने पूर्व में ही कहा था दामाद बाबू कि सत्य की सदैव विजय ही होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा था बाबूजी। सच्चा व्यक्ति परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अब मुस्कुराने का वक्त आ चुका है। हाँ भाई। कैसे हो भैया? अच्छा हूं, देर से सही, लेकिन तू घर तो आ गया।
देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, मैं सब कुछ ठीक करने ही तो आया हूँ। चुप चुप ची होते बाबू, चुप चुप ची। आपके आ जाने से अब मेरे मन को बहुत शांति मिली है, बहुत शांति। मुझे माफ कर दो राधिका, मेरी वजह से तुम्हें, आप सब लोग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे ये काल नौटंकी लगाओ, ये कोई बहु रूपिया है? देव बाबू को मेरे हुए थे 5 साल बीत चुके हैं। आप आज भी नहीं बदले चाचा जी, आज भी गुस्सा बिल्कुल आपकी नाक पे ही रहता है। कैसे और जी? अच्छा, आप भी नहीं बदली? बहन जी, अब तो मेरा देव, आपका राज पुरोहित आ गया है ना, अब इस विधि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है चाची माँ? आप समझने की कोशिश करिए, हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग किसी बहुरूपिया को लेकर के आ गए हैं। बहन जी आप ही बताइए, अगर कोई बहुरूपिया यहाँ आकर अपने आप को देवराज पुरोहित कहेगा तो क्या आप उसे मान लेंगे देवराज पुरोहित? देखिए, यदि ये वास्तव में देवराज पुरोहित हैं, तो आज इन्हें यहाँ सबके सामने इसका प्रमाण देना होगा। यह हुई बात। बहन जी आपको याद है ना, जब आप हमारे घर आए थे तो हमने आपको बताया था कि देव जिंदा है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इसे प्रमाणित करना होगा कि ये राजपुरोहित है? देखिए, हम नियम के आगे विवश हैं। नियम तो सबके लिए एक है। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक इनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, इन्हें राजपुरोहित स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप बताइए, बिना प्रमाण के ये कैसे मान लिया जाए? ये कोई बहुरूपिया नहीं है, वास्तव में देवराज पुरोहित है। बड़ी अजीब बात है महन जी, आज राज पुरोहित को यह साबित करना पड़ेगा कि वो सचमुच राज पुरोहित है। आप जो राजपुरोहित समारोह में तोहफा भिजवाने को कह रहे, हम वो सभी टोकरिया में सजवाई के रख दिए हैं। बहुत बढ़िया तैयारी किए हो हनुमान, शाबाश। माता राम जी, हम ये सब अभी बाबू की गाड़ी में रखवाए देते हैं। दामाद बाबू हैं कहाँ? सुबह से एक भी बार दिखाई ना दिए वो हमका। दिल्ली का निकले का समय हो गया है, उनका समझना चाहिए, उनका समारोह में पहुँचना कितना जरूरी है। का निकलने से पहले हमका उसे कुछ समारोह के बारे में जरूरी बात भी करेगा था। बहुत ही जरूरी काम आ गया होगा दामाद बाबू को।
नहीं तो वो तो वक्त के बहुत ही पाबंद है। सुनो, ये सब सामान अबे बाबू की गाड़ी में रखवा दो। ससुरा फोन भी नहीं लग रहा है। पुन्ना ही लग रहा। हनुमान जाके पता करवाए का कोशिश कर कि भक्त तो कहाँ है। जी माता राम जी। ए कनिका, तैयार तैयार हो के कहाँ जा रही हो कनिका? माई वो ब्यूटी पार्लर जा रही। दामाद बाबू कहाँ हैं? आप पता नहीं माई, सुबह से दिखे नहीं। हो सकता है किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे। हमू का ये भक्त तक यहाँ आए का वास्ते कहे थे, गराज पुरोहित का सम्मेलन में हिस्सा लेने का वास्ते दिल्ली जाए का है। फोन का लग ना ही रहा और वो फोन कर ना ही रहे। पता नहीं आजकल ये अभय बाबू को कहा हो गया है। अब बताइए, इतना गैर जिम्मेदारी, इतना जरूरी बखत में पता नहीं कहाँ निकल गए। आप उनका भरोसे हमको भी दिल्ली नहीं जाने दिए उस समारोह। अगर ये जिम्मेदारी आप उनका बदले हमको दिए होते ना, तो अब तक तो दिल्ली जाके सब काम निपटाए के लौट आए होते हैं। छक्का लगे का पहले कैच पकड़े का वास्ते काहे को खड़ा हो जाते हो लल्ला? दामाद बाबू का विकेट उखाड़े का बजाय अपना विकेट बचाने का चिंता कर। जो काम तोरे बस का है ही नहीं, उका करे का वास्ते काहे फड़फड़ाते हो हमेशा लल्ला? लेकिन अभी गए कहाँ होंगे? कहीं मौजी, हमको कैसे पता लगेगा कि ये बहरूपिया है कि सच में देव है? इस आदमी से सच उगलवाना हमको अच्छी तरह आता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको डर लग रहा है कि अगर ये सच में देव निकला तो हमारा क्या होगा? अरे उसका चिंता तुम मत करो ना। अगर ये बहुरूपिया नहीं भी है ना, तो हम इसको बहुरूपिया साबित कर देंगे। और किसी भी हालत में राजपुरोहिती का गद्दी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे इस बार। इस आदमी की असलियत सबके सामने कैसे लानी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुरूपिया जी, जरा हमारे साथ चलिए तो। मान जी, आप भी आइए। सब लोग आइए, आइए बहुरूपिया, चलिए आओ मेरे साथ, चलो। हाँ तो बहुरूपिया जी, आप ये बताइए कि इनमें से आपके पिताजी कौन है? देखिए भाई, कोई भी इंसान अपने पिताजी को तो जानता ही होगा ना, है? अभी डूट का डूट पानी का पानी हो जाएगा। बताइए कि इनमें से आपके पिताजी की तस्वीर कौन सी है, बोलिए। ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हैं, बताइए ना कौन है आपके पिताजी? भाई ये नमस्ते प्रणाम का नाटक बहुत हो गया। आप साफ साफ बताइए कि आपके पिता श्री की तस्वीर कौन सी है, बोलिए ना। चाचा जी, ये है मेरे पूज्य पिताजी। ओ
भला एक बेटा अपने पिता को कैसे भूल सकता है? सुशील, हो गई तसल्ली? अरे अब तो मान ले कि यही मेरा देव है। ये बहुत शातिर आदमी है, पूरी तैयारी करके आया है, पर हम जानते हैं कि ये देव बाबू नहीं है और इसकी कोई भी चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। चाचा जी, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं। मैं देवी हूं। सुशील, यदि अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं इसकी दूसरी परीक्षा लेता हूं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कोई शक की संभावना नहीं रहेगी। ये सिद्ध हो जाएगा कि यही देवराज पुरोहित है, कोई बहरूपिया नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लीजिए। गुरु मंत्र की परंपरा से तो आप सभी लोग परिचित हैं। जब कोई राजपुरोहित अपनी गद्दी का परित्याग करता है तो वो आने वाले राजपुरोहित के कान में गुरु मंत्र फूंकता है ताकि मंत्र की गोपनीयता बनी रहे। जब देव के पिताजी ने पद त्याग किया था तब उन्होंने भी देव के कानों में गुरु मंत्र फूंका था। यदि वास्तव में ये देव हैं तो इन्हें वो मंत्र याद होगा। यदि ये सबके सामने उस मंत्र का सही उच्चारण कर देते हैं तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बोलो देव, वो कौन सा मंत्र था? हो गए, भूल गए का? अरे भूलोगे तो तब जब याद होगा ना। अरे बहुरूपे को ये मंत्र कहां से याद होगा? वो मंत्र तो देव बाबू को याद था और वो मंत्र देव बाबू अपने साथ ले गए बंसी भजैया के पास। अहम् ब्रह्मम् सर्वस्व च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वरः उपद्रष्टा स्वयं द्रग् अविशेषः नारायणं परो देवस् तस्मज्जातस् चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद देवा साका सर्व जनाताम गता। मग सित्ता मद गता प्राणा बोधयन्तम् परस्पर। कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमयन्ति च। ये मंत्र बिल्कुल ठीक है देव।
से क्या